अंबाती रायडू रिटायर हो गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल 2023 जीतने के बाद रिटायर होने का फैसला किया। रायडू ने फाइनल से पहले ही बता दिया था कि उनका आखिरी गेम होगा और अब रिटायरमेंट के बाद पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने उनकी खूब तारीफ की है। साथ ही चोपड़ा ने रायडू के अच्छे इस्तेमाल के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भी सराहा। 37 साल के रायडू के लिए आईपीएल 2023 बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने फाइनल में सिर्फ 8 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली और इस पारी ने बाद में चैंपियन बनने में चेन्नई की बड़ी मदद की। चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर रायडू पर बात की और कहा कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपना करियर खत्म किया। चोपड़ा बोले, अपना आखिरी गेम खेलने के बाद काफ़ी कम लोगों के हाथ में ट्रॉफी होती है। धोनी ने इस साल उन्हें बहुत अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने तय किया कि अगर चेन्नई बाद में बैटिंग करेगी तो वो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे और अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो रायडू फील्डिंग नहीं करेंगे। जो उन्होंने आखिरी मैच खेला और चेन्नई टूर्नामेंट जीती तो उनकी पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। फाइनल में रायडू की पारी की तारीफ करते हुए चोपड़ा बोले, आउट होने से पहले उन्होंने 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ा, 3 गेंदों में 16 रन। आपको आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। अगर उन्होंने उन 3 गेंदों में कुल 10 रन ही बनाए होते तो आपको आखिरी 2 गेंदों में 16 रन चाहिए होते, जो चेस करना संभव नहीं होता। रायडू ने 13वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर मोहित शर्मा को 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। हालांकि बाद में सीएसके ने लगातार गेंदों पर उनका और धोनी का विकेट गंवा दिया, लेकिन जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर उन्हें जीत दिला दी। ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी ने जडेजा और रायडू को ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए बुलाया। बाद में रायडू ने इसके पीछे के कारण का खुलासा किया। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, सेरेमनी से पहले उन्होंने मुझे और जड्डू को बुलाया और कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रॉफी उठाते वक्त हम दोनों उन्हें ज्वाइन करें। उन्हें लगा था कि हमारे साथ ये करने का सही मोमेंट था। ये उनकी ओर से सच में काफ़ी स्पेशल था। मुझे नहीं लगता कि ये किसी और के साथ हुआ होगा। वो ऐसे ही व्यक्ति हैं और ये बात दुनिया को पता है। ओवरऑल ये उनका जेस्चर है। रायडू ने आईपीएल के 204 मैच में 28.23 की एवरेज और 127.54 के स्ट्राइक रेट से 4,348 रन बनाए थे। उनके नाम इस टूर्नामेंट में 1 शतक और 22 अर्धशतक हैं। रायडू सीएसके से पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। उन्होंने मुंबई और चेन्नई दोनों के साथ 3-3 ट्रॉफीज जीती थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।